हेलो गाइस, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए WWE की एक मसालेदार और चटपटी न्यूज़ लेकर। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ब्लड लाइन ग्रुप के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि WWE में इस वक्त ब्लड लाइन में एक अलग सी ही भसड़ मची हुई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि WWE की हिस्ट्री में द शील्ड के बाद हमें ब्लड लाइन ही एक ऐसा ग्रुप देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा फैंस के बीच में पॉपुलर है। और इस वक्त हमें मतलब द ब्लड लाइन के बीच में एक अलग ही स्टोरी लाइन देखने को मिल रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं द ब्लड लाइन में हमें रोमन रेंज, द रॉक देखने को मिलते हैं, और रोमन रेंज और पॉल हेमन ने मिलकर ही द ब्लड लाइन को क्रिएट किया था। लेकिन रसलमेनिया में हुए जो कोडी रोड्स के साथ रोमन रेंज का मैच हुआ था, उसमें रोमन रेंज हार गए थे और अपनी बादशाहत खो दिए थे, जिसकी वजह से वो WWE से कुछ टाइम के लिए लीव ले लिए, मतलब WWE से कुछ ब्रेक लेकर वो कुछ टाइम के लिए WWE से ऑफ चल रहे हैं। जिसके बीच में ही सोलो सिकोवा ने ट्रैवल चीफ, मतलब जो उनका मतलब जो ब्लड लाइन ग्रुप है, जो उनका ट्रैवल चीफ वाला गिमिक है, उसको हायर कर लिया, मतलब उसको हाईजैक कर लिया और खुद नए ट्रैवल चीफ खुद को ही बना लिया उन्होंने रोमन रेंज के ना होते हुए। जिसको देखकर पॉल हेमन बहुत ज़्यादा शॉक थे, जिसकी वजह से WWE फैंस में बहुत कंफ्यूजन चल रहा था कि आगे आने वाले टाइम में हमें द ब्लड लाइन क्या टूटती हुई दिख सकती है या ब्लड लाइन का कोई फ्यूचर होगा भी। लेकिन गाइज, टाइम टाइम पर अपने आप रूमर्स आते रहते हैं, फैंस स्पेकुलेशन भी करते रहते हैं कि हो सकता है हमें द ब्लड लाइन वर्सेज द ब्लड लाइन का सर्वाइवर सीरीज में मैच देखने को मिले या किसी और बड़े इवेंट में WWE दिखा सकती है, या तो रोमन रेंज जब वापस आएंगे तो हमें ब्लड लाइन का एक द ब्लड लाइन वर्सेज द ब्लड लाइन या फैमिली वर्सेज फैमिली या ब्लड वर्सेज ब्लड का मैच देखने को मिल सकता है। लेकिन गाइज, अब हाल ही में एक और न्यूज सामने आ रही है कि हो सकता है द ब्लड लाइन वर्सेज रोमन रेंज एंड द रॉक का मैच हमें देखने को मिल सकता है, WWE करा सकती है पेपर व्यूज में। गाइज, ये न्यूज मतलब ऑफिशियल्स नहीं है, बाकी फैंस स्पेकुलेशन कर रहे हैं और रूमर्स भी आ रहा है कि हो सकता है द रॉक और रोमन रेंज इसीलिए ऑफ चल रहे हैं क्योंकि वो अभी ब्लड लाइन की जो मतलब सोलो सिकोवा जो अपना मतलब मनमानी कर रहे हैं वो कर लें, फिर उसके बाद रॉक और रोमन रेंज आएंगे और वो चैलेंज करेंगे। और बाकी जैसा कि हमने देखा कि लास्ट पेपर व्यू जो बैकलैश फ्रांस में हुआ था, वहां पर हमें सोलो सिकोवा कितना खतरनाक तरीके से मतलब देखने को मिले थे, उन्होंने कैसे रैंडी ऑर्टन और केविन ओवन को धोया था, जहां पर हमें टामा टोंगा के भाई जो थे जैकब कैस भी देखने को मिले थे, जो कि आकर रैंडी ऑर्टन और केविन ओवन दोनों को मारते हैं। और बाकी हमें ब्लड लाइन में देखने को मिल ही रहा है कि कैसे 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 स्टोरी लाइन बिल्ड हो रही है। बाकी ये मैच तो एक फिलअप की तरह था बैकलैश के लिए, ये ज़्यादा स्टोरी लाइन मैटर नहीं करती है क्योंकि आगे चल के हमें स्टोरी रोमन रेंज के साथ ही देखने को मिलेगी। बाकी फैंस तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हैं कि रोमन रेंज को भाई जल्दी ले आओ, क्योंकि रोमन रेंज बहुत टाइम हो गया, वो रसलमेनिया के बाद से पहला पेपर व्यू है जिसको उन्होंने डब किया है, मतलब स्किप किया है, उसके बाद उन्होंने वो हमें WWE में नहीं देखने को मिले, जिसकी वजह से ही ब्लड लाइन में WWE ऐसी स्टोरी लाइन दिखा रही है। फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में इसलिए भी हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, क्या पॉल हेमन टर्न कर जाएंगे रोमन रेंज से, रोमन रेंज को धोखा देकर वो सोलो सिकोवा का नेक्स्ट ट्रैवल चीफ बना देंगे, और बाकी जो पॉल हेमन के एक्सप्रेशंस होते हैं सोलो सिकोवा का देख के वो थोड़ा सा खतरनाक वाले होते हैं कि पॉल हेमन की लिटरली फट रही है। बाकी रोमन रेंज के आने के बाद ब्लड लाइन ग्रुप में क्या होगा ये तो टाइम ही बताएगा। बाकी स्टोरी यही थी और न्यूज़ यही थी। बाकी आपको न्यूज़ थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। न्यूज़ से रिलेटेड अगर आपके कुछ थॉट हैं तो नीचे कमेंट में बता सकते हो। बाकी थैंक यू, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। बाकी थैंक यू, टेक केयर, बाय।